आर्मी के रिक्रूटमेंट के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अग्निपथ योजना की घोषणा की है, उसके लिए मैं उनको बहुत सारा धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अभी कह रहे हैं नौजवानों के भलाई के लिए कर रहे हैं, तो नौजवान सड़कों पे क्यों हैं? इसको भी वापस लेना पड़ेगा। पहले किसानों के साथ खिलवाड़ किया, अब नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ ये सरकार सुनना बंद कर रखा है इन्होंने, ये जमीन की आवाज सुनते ही नहीं है। प्रदेश के साथ ही देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वही पक्ष और विपक्ष इसके फायदे और नुकसान बताने में लगा हुआ है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और पूरी कांग्रेस पार्टी अग्निपथ योजना को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस की सरकार में डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट ने भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। मैं आर्मी भर्ती वाले मैंने कहा पूरे देश में आज नौजवान इस बीजेपी सरकार ने पहले कहा किसानों के भले के लिए हम 3 कृषि कानून लेकर आ रहे हैं, सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके, 2 साल के बाद सरकार ने हाथ जोड़ के माफी मांगी। वही प्रदेश की पूर्व सीएम और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने अग्निपथ योजना को लेकर पीएम मोदी का धन्यवाद किया। आर्मी के रिक्रूटमेंट के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अग्निपथ योजना की घोषणा की है, उसके लिए मैं उनको बहुत सारा धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। राजस्थान में भी अग्निपथ योजना को लेकर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं कहीं तो नौबत आगजनी तक भी पहुंच चुकी है। जा रहा है राजनीतिक पार्टियां युवाओं के इसी गुस्से का फायदा उठाने में मशगूल हैं, तो वही सरकार की ओर से योजनाओं के फायदे गिनाने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। राजस्थान में 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं, लिहाजा कांग्रेस इस मुद्दे को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती। वही बीजेपी की ओर से पूर्व सीएम युवाओं के बीच इसके फायदे गिनाना चाहती है। आपको बता दें राजस्थान सेना में सैनिक भेजने के मामले में भारत का 3रा राज्य है। वही बात अगर अंतिम साल की करें तो राजस्थान ने सबसे ज्यादा सैनिक सेना को दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।